अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आप उसे देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ राघवन स्लीव टॉप कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसका नाप इस प्रकार है। लेंथ ऑफ द टॉप 21 इंच, शोल्डर टू शोल्डर विड्थ 21 इंच, शोल्डर लेंथ 8.5 इंच, चेस्ट 48 इंच, हाफ बॉटम विड्थ 21 इंच, स्लीव्स लेंथ 16 इंच, हाफ आर्म राउंड 7 इंच। ये राघवन टॉप थोड़ा लूज बनता है, इसलिए इसकी मेजरमेंट विड्थ वाइज ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले ये मेरा फैब्रिक है जो 2 लेयर्स में रखा है, इसको हम पहले 4 लेयर्स में उतना फोल्ड करेंगे जितना हमारी चेस्ट का 1/4 प्लस 1 इंच। चेस्ट है हमारी 48 इंच, उसका 1/4 हो जाएगा 12 प्लस 1 आ जाएगा 13 इंच। तो अब इसको मैं ऐसे 13 इंच तक फोल्ड करके आगे इसमें ड्राफ्टिंग करती हूँ। अब हम सबसे पहले टॉप से विड्थ वाइज लेंगे शोल्डर टू शोल्डर विड्थ का हाफ प्लस हाफ इंच, जो है 21 का हाफ 10.5 प्लस हाफ हो जाएगा 11 इंच। अब यहां से हम अपनी शोल्डर लेंथ यानी कि 8.5 इंच पर मार्क लगाएंगे और यहां से भी हम 11 इंच पे मार्क लगा करके अब इससे आगे हम लेंगे अपनी चेस्ट का 1/4 प्लस 1 इंच, जो है 13 इंच। अब हम इस मार्क को इस टॉप मार्क से स्लांट मैनर में ऐसे मिलाएंगे। उसके बाद हम टॉप से लेंथ प्लस 3 इंच का मार्क लगाएंगे, जो है 24 इंच, और ऐसे इसको मार्क लगा करके एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। और अब हम यहां से इस लाइन पर लेंगे अपनी हाफ बॉटम विड्थ प्लस 1 इंच, जो है 11.5 इंच, और इस मार्क को हम इस आर्म मार्क से मैच कर देंगे। इसमें हमारी स्विंग सीम भी शामिल है। अब हम ये चॉक मार्क की कटिंग कर देंगे। अब इस रिमेनिंग फैब्रिक से हम अपनी स्लीव्स कटिंग करेंगे। उसके लिए हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे अपनी हाफ आर्म राउंड प्लस 1 इंच। हाफ आर्म राउंड है हमारी 7 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 8 इंच। तो हम इसको अब कम कर देते हैं 8 इंच तक। ऐसे फोल्ड करने के बाद नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। उसके बाद हम टॉप से रखते हुए स्लीव लेंथ प्लस 2 इंच का मार्क लगाएंगे, जो है 18 इंच, और इधर से हम
8 इंच पे मार्क लगाएंगे। और अब ये फैब्रिक हमारा स्लीव्स का फैब्रिक है, इसके ऊपर हम इस प्रकार इस टॉप को रखेंगे और अपर पार्ट से हम यहाँ से 6.5 इंच का एक मार्क लगाएंगे। और अब ये हमारी शोल्डर लेंथ है, हम इसके साइड साइड में ये ऐसे लाइन लगा देंगे और इसको हटा करके इस लाइन की और ये स्ट्रेट लाइन की कटिंग कर देंगे। अब ये हमारी रागलान स्लीव के साथ टॉप की कटिंग हो गई है, इसको मैं अनफोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। ये हमारी दोनों स्लीव्स हैं और ये फ्रंट और बैक पीस है। अब हम स्टिचिंग में सबसे पहले इन स्लीव्स को राइट टू राइट मैच करके ज्वाइंट करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसीड करूंगी। स्लीव्स ज्वाइन करने के बाद इस पर हम प्रेस स्टिचिंग भी कर लेंगे। उसके बाद ये हमारा नेक पोर्शन है, इसको हम रॉन्ग साइड में ऐसे ले जा करके और ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके पूरे नेक और आर्म पोर्शन में स्टिचिंग करेंगे और थोड़ा सा हिस्सा इसमें छोड़ देंगे और इसके बीच में हम इलास्टिक डालेंगे। ये फोल्ड करने के बाद अब हम इलास्टिक लेंगे और उस पर अपने नेक राउंड का निशान लगाएंगे। नेक को नाप लेंगे और निशान लगाएंगे। नेक राउंड है हमारी 12 इंच, यहाँ 12 इंच तक मार्क लगा लेंगे। अब हम कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट लेंगे और ऐसे इसके बीच से इसको निकालेंगे और इसको बांध देंगे। इस प्रकार से अब हमने जो इस स्टिचिंग के दौरान थोड़ा सा हमने यहाँ पर खुला छोड़ा है, हम इसके बीच से इसको डालेंगे और इसको राउंड में घुमा करके इलास्टिक इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। अब हम जो हमने यहाँ 12 इंच का मार्क लगाया था, इन दोनों इलास्टिक को यहाँ पर स्टिच कर देंगे फर्मली। उसके बाद हमने जो ये छोटा सा होल छोड़ा था, इसको भी हम फर्मली स्टिच कर लेंगे। ये हमारा नेक पोर्शन तैयार हो जाएगा। अब हम इसको रॉन्ग साइड में लेके जाएंगे इस प्रकार से, और ये हम अपने आर्म राउंड को ऐसे करके फोल्ड करके स्टिच करेंगे। उसके बाद हम आर्म राउंड से स्टार्ट करके 1 इंच ब्रॉड स्टिचिंग ऐसे ले जा करके बॉटम तक सिल देंगे। साइड की स्टिचिंग करने के बाद अब हम रिक्वायर्ड लेंथ लेकर के
अपनी बॉटम विड्थ को भी इस प्रकार डबल फोल्ड कर देंगे। ये कंप्लीट करने के बाद मैं इसकी एक पिक अपलोड कर दूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।